everybody, welcome back to my channel. I am Pallavi. I am a new mother, and in this video I am going to tell you about breast pumps. But before that, let me give you a little background here as to why I know so much about breast pumps. So guys, I am blessed with a baby girl. Her name is Sorvi. Sorvi is a very premature baby. She was born during the 28th week of my pregnancy, जो कि 6.5 महीने के आसपास का समय होता है. एंड उसका बर्थ वेट भी बहुत ही कम था. इट वॉज अराउंड 910 grams, एंड इट गॉट इन फर्दर रिड्यूस टू 780 grams बिकॉज वो बहुत सारे प्रोसीजर्स से गो थ्रू हो रही थी NICU में. एंड शी वॉज इन NICU फॉर क्वाइट अ वाइल, फॉर अराउंड 53 days आफ्टर हर बर्थ. एंड क्योंकि वो NICU में थी एंड वो बहुत ही टाइनी थी एंड वो लैच नहीं कर सकती थी, इस वजह से मुझे उसे एक्सप्रेस करके ही मिल्क देना था. सो दैट्स व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ब्रेस्ट पंप्स. एंड या इट वाज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, सो बेसिकली इट वाज हिट एंड ट्रायल फॉर मी. एंड इट वाज मैंडेटरी फॉर मी टू गिव हर माय मिल्क बिकॉज वो और कुछ भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी. कोई फार्मूला टॉलरेट नहीं कर सकती थी, किसी और मदर का मिल्क भी वो टॉलरेट नहीं कर सकती थी बिकॉज शी वॉज सो टाइनी. एंड मैं प्रीमेच्योर मदर खुद होने की वजह से मेरा मिल्क भी नहीं बन रहा था एंड इस वजह से मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा था. आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, लॉट ऑफ मेडिकेशंस टू इंक्रीज माई ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. एंड गाइस, डॉक्टर्स ने भी मुझे एडवाइस किया था फ्रिक्वेंटली पंप करने के लिए ताकि मेरी मिल्क की सप्लाई बढ़ सके. सो इस तरीके से मेरी ब्रेस्ट पंप से पंप करने की जर्नी स्टार्ट हुई थी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट ऑल द ब्रेस्ट पंप्स दैट आई बॉट एंड माय एक्सपीरियंसेस विद देम. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल 3 types ऑफ ब्रेस्ट पंप दैट आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड पहला जो ब्रेस्ट पंप है वो मैंने पिजन का मैनुअल ब्रेस्ट पंप लिया था एंड इससे मुझे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ. मे बी बिकॉज आई वॉज अ प्रीमैच्योर मदर एंड मेरी सप्लाई बहुत ही कम थी शायद इस वजह से, बट इट डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी. एंड इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक पोर्टेबल मिनी ब्रेस्ट पंप लिया था जो कि पिजन ब्रांड का ही था एंड इट वॉज अ लिटिल बेटर देन मैनुअल ब्रेस्ट पंप, बट इट वॉज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. सो मेरे पास इतना समय नहीं होता था क्योंकि मुझे जाना पड़ता था NICU अपने बेबी से मिलने. उसके साथ साथ मुझे पंप भी करना होता था दिन में 8 से 10 बार एंड उसमें काफ़ी समय लग जाता था. इस वजह से आई डिसाइडेड टू गो फॉर डबल ब्रेस्ट पंप एंड उसके लिए मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी तो मुझे 3 ब्रांड समझ में आए. पहला जो था वो इलेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप, दूसरा मिडीला एंड तीसरा ये दिया जो ब्रेस्ट पंप है मैंने परचेस किया है ये वाला. सो इलेक्ट्रो ब्रेस्ट पंप को आने में काफ़ी समय लग रहा था एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, उसके साथ ब्रा भी नहीं थी पंपिंग. एंड दूसरा मिडीला था, मिडीला के साथ मेरी दिक्कत ये थी कि वो ओपन सिस्टम आता है एंड ओपन सिस्टम में ट्यूबिंग में मिल्क जाने का खतरा रहता है जो कि इन्फेक्शन के चांसेस मिल्क में बढ़ जाते हैं. तो आई डिड नॉट गो फॉर मिडीला. एंड थर्ड वन इज़ दिस दिया ब्रेस्ट पम्प, इसके साथ पम्पिंग ब्रा भी आ रही थी एंड गाइज ये क्लोज सिस्टम भी था, इस वजह से आई वेंट फॉर दिस. एंड ये थोड़ा चीपर साइड में भी था बिकॉज बाकी जो दोनों ब्रांड हैं उनके साथ पम्पिंग ब्रा नहीं आती है एंड वो आपको अलग से खरीदनी पड़ती है जो कि 3-4 हज़ार की आती है ऑनलाइन. एंड बिना पम्पिंग ब्रा के आई थिंक डबल ब्रेस्ट पम्प का कोई मतलब नहीं है. सो इस वजह से आई वेंट विद दिया डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प एंड इट इज़ ऑल्सो अ हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पम्प गाइज. सो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी जब मैंने इसको मंगाया था एंड इसको यूज़ करने में, बट जब ये आया तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए गाइज. दिस वन इज़ रियली वंडरफुल एंड इसने मेरी मिल्क सप्लाई भी बढ़ाई, इसने मेरा बहुत टाइम सेव किया. इसकी मोटर बहुत ही पावरफुल है एंड आपको फुल स्पीड पर जाने की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. सो एंड बेसिकली पंपिंग ब्रा ने मेरा काम और भी आसान कर दिया एंड आई हैड अ लिटिल मोर टाइम इन माई हैंड्स सो दैट आई कुड बी विद माई बेबी अ लिटिल लॉन्गर. सो यस गाइज, एंड दिस इज द पैकेट दैट आई हैव गॉट एंड इसके साथ ये सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं पार्ट्स के बारे में, कैसे असेंबल करना है वो सब कुछ इसमें है.
गाइस, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। आई वुड मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दिस बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो प्री मेच्योर बेबीज़ की केयर पे बनाऊँगी। एंड या अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।